हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल पे मेहंदी से रिलेटेड न्यू आइडियाज़, ट्रिक्स और जो भी इजी मेथड होता है मेहंदी को अप्लाई करने का, उसकी वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में भी मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेहंदी से रिलेटेड ऐसे ट्रिक जिनको आपने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। आपको अभी तक यही लगता है ना कि मेहंदी लगाने के लिए हमारे पास मेहंदी, उसकी कौन और हमें मेहंदी लगाना आना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज हम देखेंगे कि बिना मेहंदी कौन के कैसे मेहंदी लगाई जा सकती है। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि ये कैसे पॉसिबल है, विदाउट मेहंदी कौन मेहंदी कैसे लगा सकते हैं, बट हम लगा सकते हैं। तो अब अगर हमें मेहंदी लगाना नहीं भी आता ना, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और किसी मेहंदी आर्टिस्ट के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है। हम घर बैठे आराम से खुद से मेहंदी लगाएंगे और वो भी बिना प्रैक्टिस किए बिना। अगर हमें मेहंदी लगाना नहीं आता ना, तो भी हम लगाएंगे। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे 6 से 7 आइडियाज़, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। चलिए आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली ट्रिक के बारे में। तो इसमें हमारे पास है इस टाइप का हीना स्टिकर। हमने सभी डिज़ाइंस की पहले अलग अलग कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इस तरीके से इसको अपने हाथ पे अप्लाई करना है, ऊपर करनी है वाटर की स्प्रे, जिससे क्या होगा कि ये डिज़ाइन हमारे हाथ पर लग जाएगा और उसके बाद ऊपर का पेपर हमने रिमूव कर देना है। तो काफ़ी आसान है, अमेजिंग है। स्टेन भी आप देख रहे हो कितना प्यारा है। तो इस टाइप से हम काफ़ी आसानी से लगा तो सकते हैं मेहंदी। पर इसके साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना, तो आप इस टाइप के स्टिकर्स को मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें कुछ केमिकल्स मिले होते हैं और जब हमारी स्किन सेंसिटिव होती है तो वो रिएक्शन कर जाती है। तो इस टाइप के स्टिकर यूज़ करने से पहले एक बार आप जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात पर। और क्या इस टाइप के स्टिकर सिर्फ रेड कलर में अवेलेबल है? तो नहीं, इस टाइप के स्टिकर्स आपको वाइट कलर में भी मिल जाएंगे अगर आप वाइट हीना के शौकीन हैं। तो चलिए हम अपने दूसरी ट्रिक की तरफ जाते हैं। तो इस ट्रिक में भी हमें मेहंदी कौन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, बट आप ये आर्ट देख रहे हो कितना अमेजिंग है। तो किस तरीके से इन्होंने छोटे छोटे पीसेस को कट करके पूरे हैंड पे ये डिज़ाइन बनाए। अगर आपको पता है कि ये आर्ट कौन से स्टेट का है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर करना। और आपने इस टाइप से मेहंदी लगाते हुए किसी को देखा है क्या? तो देखिए, इन्होंने ऐसे डिज़ाइन बनाया है। इसके बाद ये इस पर मेहंदी को अप्लाई कर देंगे और जब ये ड्राई हो जाएगी तो डिज़ाइन बनके रेडी हो जाएगा। है तो ये भी अमेजिंग, और बिना मेहंदी कौन के ये मेहंदी लग के रेडी होगी, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में के स्टार्टिंग में बोला था। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपनी थर्ड ट्रिक के बारे में। तो इसमें क्या है कि हमारे पास इस तरीके के हैंड स्टेंसिल्स अवेलेबल होते हैं जिनको हमने अपने हाथ पे अप्लाई कर लेना है। ये हमारे हाथ के साइज़ के अकॉर्डिंग ही बने होते हैं। इसमें आपको डिज़ाइंस की काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, मतलब ब्राइडल डिज़ाइंस भी मिल जाते हैं, अरेबिक डिज़ाइंस, मंडाला डिज़ाइंस, जिस टाइप का आपको डिज़ाइन चाहिए ना मिल जाता है। और उसके बाद सिंपली आपने मेहंदी को इसके ऊपर अप्लाई करना है, ड्राई होने का वेट करना है, रिमूव करना है और मेहंदी लग के रेडी हो जाने वाली है। तो ये आइडिया काफ़ी आसान है, आप भी लगा सकते हो, तो है ना मज़ेदार। तो अब चलते हैं हम अपने फोर्थ मेहंदी डिज़ाइन की तरफ। इसको बोलते हैं स्टैंपिंग मेहंदी डिज़ाइन। तो देखिए, इस तरीके से ये मेहंदी की स्टैंप्स आती है जिसके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं और इसके साथ इंक भी हमें मिलती है। आपने मार्केट में कहीं ना कहीं देखा होगा। तो टेम्परेरी डिज़ाइन के लिए ना तो ये काफ़ी अच्छा है। ये पानी के साथ इसका कलर चला जाता है, बट आपको इंस्टेंट चाहिए, किसी फंक्शन में जाना है, जल्दी से मेहंदी लगवानी है, तो इससे फास्ट कोई भी मेथड नहीं हो सकता। तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। इस टाइप कि मटेरियल को आप अपने घर पे रख सकते हो और कभी भी जब आप चाहो तो लगा सकते हो, है ना, ये भी मज़ेदार आइडिया। चलिए हम बात करते हैं अपने आज की लास्ट और मेरी फेवरेट मेहंदी ट्रिक के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप के स्टेंसिल्स के पेपर्स हमारे पास होते हैं जिसपे डिफरेंट डिफरेंट मेहंदी के डिज़ाइंस बने होते हैं। मेहंदी अप्लाई करने के बाद और जब ये ड्राई हो जाती है रिमूव करने के बाद, बहुत ही अमेजिंग इनके डिज़ाइंस बन के रेडी हो जाते हैं। तो आप देख रहे हो कितने मज़ेदार हैं। मैं तो जब भी अप्लाई करती हूँ यही अप्लाई करती हूँ। तो आपको इन 5 वीडियो में से या 5 ट्रिक में से सबसे मज़ेदार कौन सी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो या कोई भी डाउट हो मेहंदी से रिलेटेड या एनीथिंग, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसे मज़ेदार वीडियोस के लिए और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ।